हैं आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 14 को लेकर के, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित उप विषय इतिहास से है और आज का प्रकरण है हमारा आदि मानव। इसके पिछले वीडियो में हमने 1 से 13 तक की लेशन प्लान को लेकर के बात की है। तो अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में है या फिर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में है और एसएसटी से लेशन प्लान तैयार कर रहे हैं तो आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहाँ से जैसे ही आप एसएसटी के लेशन प्लान सर्च करेंगे आपको 1 से 13 तक के लेशन प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आप डालेंगे यहाँ पर पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद आप सीधे सीधे 5 कॉलम बना सकते हैं, अदरवाइज आप पॉइंट वाइज भी चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसे दिनांक हो गया, जिस भी डेट को आप लेशन प्लान बनाते हैं यहाँ पर वो डेट डालते हैं। उसके बाद विषय है आपका सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपका उप विषय इतिहास है, यानी जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन होता है उससे आज का हमारा प्रकरण है, ठीक है। चक्र की बात की जाए यानी पीरियड, तो ये आपका फर्स्ट है, आप चाहे तो इसे डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आप जो चाहे यहाँ पे डाल सकते हैं। टाइम पीरियड यानी समय अवधि की बात की जाए तो ये भी आप डिवाइड करके लिख सकते हैं 30 to 45 मिनट, यहाँ 35 मिनट पड़ा है, आप ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं। कक्षा की बात की जाए कक्षा 7 है तो आप कक्षा 7 डालेंगे। और आज का प्रकरण है हमारा आदि मानव, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए तो ये आपके उप विषय से संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियां देते हैं, यानी इतिहास से संबंधित है। इसमें आप बताएंगे छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा पॉइंट है छात्रों में तर्क निर्णय व चिंतन शक्ति का विकास करना, तीसरा पॉइंट है छात्र छात्राएं प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, फिर इसी में आपका चौथा पॉइंट है छात्रों में तथ्यों का संकलन व वर्गीकरण की योग्यता का विकास करना, पांचवा पॉइंट है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो दोस्तों ये थे आपके सामान्य उद्देश्य जो कि आपके इतिहास विषय से संबंधित थे। अगर आपका उप विषय नहीं है तो आप विषय से संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियां देंगे। उसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए ये आपके प्रकरण यानी आदि मानव से संबंधित आप विशिष्ट जानकारियां बच्चों को देंगे। जैसे इसमें आपके 3 पॉइंट दिए हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों में आप चीजों का ज्ञान कराते हैं, जैसे इसमें आपने बताया छात्रों में अतीत के आधार पर वर्तमान की समझ विकसित करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है छात्रों को अपने प्राचीन इतिहास से परिचित कराना। फिर भावात्मक उद्देश्य में आप पहला पॉइंट डालेंगे छात्रों को आदि मानव के विकास संबंधी जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है अन्य तथ्य प्रमाणों चित्रों के माध्यम से आदि मानव की जानकारी देना। यहाँ पर बात हो गई भावात्मक उद्देश्यों को लेकर के, आगे हम इसे में देखेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे छात्रों में पुरातात्विक शोध तथ्यों चित्रों के माध्यम से पुरापाषाण काल का शोध कराना। दूसरा पॉइंट है आदिमानों का चित्र दिखाकर उनके विकास की प्रक्रिया समझ विकसित करना। तो ये थे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य और यहाँ पर हमारा विशिष्ट उद्देश्य जो कि आपके प्रकरण से संबंधित था वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम देखेंगे इसी में सहायक सामग्री यानी जिसे आप शिक्षण अधिगम सामग्री या TLM कहते हैं। इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं, जैसे आपने चौक इस्तेमाल किया, डस्टर, श्यामपट, ठीक है, लपेट श्यामपट, या कोई चित्र हो गया, मॉडल हो गया, या फिर पुरातात्विक स्रोत हो गया, पत्थर के टुकड़े हो गए या वस्तुएं हो गई, ठीक है। तो इन चीजों को आप जो भी चीजें यूज करेंगे TLM में दिखाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगली हेडिंग पूर्व ज्ञान यानी जिसे आप प्रीवियस नॉलेज कहते हैं, यहाँ पर वो छूट गया है, आप लिख लीजिएगा पूर्व ज्ञान। इसमें छात्रों की पूर्व ज्ञान का पता करते हैं कि छात्रों को विषय से संबंधित क्या कुछ पता है। आप यहाँ पे डाल लीजिएगा पूर्व ज्ञान में कि छात्रों को आदि मानव काल से संबंधित सामान्य जानकारियां हैं, या फिर आप डाल सकते हैं बच्चों को पाषाण काल से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां हैं। तो ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, ऐसा आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्नों की बात की जाए, पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसमें आपके 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया। इसमें आप बच्चों से पहला प्रश्न करेंगे आदि मानव कौन थे, बच्चों ने बताया प्रारंभिक मानव जो थे वो आदि मानव थे। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया आदि मानव का निवास कहाँ था, बच्चे बताएंगे जंगलों में था, ठीक है।
तीसरा प्रश्न आप करेंगे, आदिमानव में परिवर्तन कैसे आया? तो छात्र निरुत्तर हो गए, यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आ गया, यहीं से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रस्तावना प्रश्न जो है वो तीन प्रश्नों पर बनाया गया है। अगर आपको पांच प्रश्नों पर चाहिए तो मैं अलग से बता दे रही हूँ, आप संख्या उसमें बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आप इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर करेंगे, पत्थर के औजारों का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में किया गया था? बच्चे बताएंगे आदिमानव काल में जो है सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया, ठीक है, यानी आदिमानव काल आंसर में आप डालेंगे। उसके बाद आप दूसरा प्रश्न करेंगे इसी में, आदिमानव कौन थे? बच्चे बताएंगे प्रारंभिक मानव जो थे वो आदिमानव थे। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे, आदिमानव का निवास कहाँ था? बच्चे बताएंगे जंगलों में, ठीक है। फिर आप ये हो गया आपका तीसरा। फिर चौथा प्रश्न आएगा, जंगलों में निवास करने वाले आदिमानव का जीवन कैसा था? बच्चे बताएंगे खानाबदोश, ठीक है। फिर आपका पांचवा जो प्रश्न आएगा वो रहेगा, इन खानाबदोश मानव के जीवन में परिवर्तन कैसे आया? तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा और छात्र निरुत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पांच प्रश्न बना सकते हैं प्रस्तावना। अगर आपके कॉलेज में ये बताया गया है कि आप पांच प्रश्नों पर प्रस्तावना प्रश्न बनाइए, तो जैसा कि मैंने बताया है आप बिल्कुल वैसे ही प्रश्न लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं ऐसा कुछ बताया गया है तो आप इतने ही प्रश्न बनाइए, क्योंकि आपके तीन से चार हो जाए उससे ज्यादा प्रस्तावना प्रश्न नहीं बनते। तो आप ध्यान रखिएगा इन चीजों का और आप ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे उद्देश्य कथन। जब यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आएगा तभी आपका उद्देश्य कथन बनेगा। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे, छात्रों आज हम आदिमानव का अध्ययन करेंगे, या फिर लिख सकते हैं, छात्रों आज हम आदिमानव काल का विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो आपका उद्देश्य कथन आएगा वो आपके प्रकरण से रिलेटेड रहेगा। आगे हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न। तो प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए, इसमें आप पूरे टॉपिक को समझाने से पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं। विकासात्मक प्रश्न करने के पश्चात आप परिचय देंगे टॉपिक का, उसके बाद स्पष्टीकरण देते हुए पूरे टॉपिक को समझाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधे सीधे छह कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु दूसरा हो गया, फिर तीसरा रहेगा छात्र अध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि या प्रविधि, श्यामपट कार्य। तो इस तरह से आप छह कॉलम बना लीजिएगा। उसके बाद आप सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे, किस काल के मानव को आदिमानव कहते हैं? ठीक है, बच्चे बताएंगे प्रारंभिक काल के मानव को आदिमानव कहते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, आदिमानव के औजार कैसे रहते थे? ठीक है, बच्चे बताएंगे पत्थर के। फिर तीसरा प्रश्न है, आदिमानव शिकार कैसे करते थे? छात्र निरुत्तर हो गए क्योंकि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता। अब यहीं से आप पूरे टॉपिक का परिचय देंगे। उससे पहले शिक्षण विधि में आप प्रश्नोत्तर विधि डाल लीजिएगा, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्राएं उनका उत्तर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। यहाँ पर एक देखिए दी हुई है आपकी जो परिभाषा है, मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर आप परिचय थोड़ा डाल दीजिएगा, उसके बाद ही लिखिएगा। यहाँ पर डालिएगा आदि मानव काल का परिचय, ठीक है। उसके बाद आप स्पष्टीकरण बताएंगे। स्पष्टीकरण में आप पूरा टॉपिक बताएंगे, क्योंकि आप आदि मानव काल से संबंधित चीजें बता रहे हैं। आप चाहे तो पॉइंट वाइज भी चीजें बता सकते हैं, अदरवाइज आप जैसी चीजें लिखी हैं वीडियो पॉज करके इन्हें बता दीजिएगा। छात्र क्रिया में छात्र जो है चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई, क्योंकि आप पाठ से संबंधित व्याख्या बता रहे हैं या स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ठीक है। आगे हम इसी में कुछ और चीजें देखेंगे। तो हम आगे हैं नेक्स्ट पेज पे, आप देख सकते हैं वही सारी चीजें उसी के आगे हैं। आप वीडियो पॉज करके इन चीजों को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए इन चीजों को। आगे हम फिर देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में आपने पहला प्रश्न किया, आदि मानव भोजन की तलाश में कहाँ जाता था? बच्चों ने बताया जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, आदिमानव का भोजन जो था वो कैसा था? बच्चे बताएंगे आदिमानव का भोजन फल पौधे कंद मूल जंगली जानवर शिकार आदि था, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्राएं उनका उत्तर दे रहे हैं। इसी में हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। फिर आप तीसरा विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे, आदिमानव ने भाषा कैसे सीखी? यहाँ छात्र निरुत्तर हो गया क्योंकि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता। फिर से आप स्पष्टीकरण के माध्यम से चीजें समझाएंगे, उससे पहले कुछ चीजें आप परिचय के रूप में देंगे।
मानव को शारीरिक विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रही, उसके शरीर की बनावट तथा व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। इस बदलाव के कारण मानव आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप परिचय देंगे, उसके बाद आप स्पष्टीकरण बताएंगे। चूंकि स्पष्टीकरण काफी बड़ा है तो आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक है, छात्र क्रिया में छात्र इसी चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ भी आपने पाठ से संबंधित व्याख्या की या स्पष्टीकरण बताया, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। तो आप स्पष्टीकरण देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इन्हें आराम से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट पेज पे आप क्या कुछ चीजें लिखेंगे। फिर ये नेक्स्ट पेज है, यहाँ पर देखिए आपका स्पष्टीकरण जो था वो कंप्लीट हो गया है। फिर आगे हम देखेंगे इसी में विकासात्मक प्रश्न। इसमें आप पहला प्रश्न करिएगा, आदि मानव भोजन प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? बच्चे बताएंगे शिकार तथा पेड़ पौधों का। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, आदि मानव कहाँ रहते थे? जंगलों में। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, आदि मानव हथियार बनाने के लिए क्या करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर आपने विकासात्मक प्रश्न किया और बच्चों ने उनका उत्तर दे दिया है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्राएं उनका उत्तर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। आप चाहे तो उनको एक समस्यात्मक प्रश्न भी दे सकते हैं, जैसे चौथा कि आदि मानव काल के विकास क्रम का चित्र बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक आपको डायग्राम दिखा दे रही हूँ, वो आप ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को दिखा करके स्पष्टीकरण के माध्यम से समझा दीजिएगा। ठीक है, तो ये है एक डायग्राम, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, विकास क्रम की अवस्थाएं आदि मानव काल की। तो आप ऐसे बच्चों को समझा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो प्रस्तुतिकरण प्रश्न था वो कम्प्लीट हो गया है। आगे हम देखेंगे बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे, बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। इसमें आप मानसिक स्तर जांचेंगे बच्चों का, कि आपने जो भी टॉपिक को पढ़ाया है उन्हें कितना समझ में आया है। ठीक है, इसके लिए आप बोध प्रश्न करते हैं। जैसे आपने पहला प्रश्न किया, आदिमानव जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या करते थे? फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, आदिमानव जंगलों में क्यों भटकते रहते थे? फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, आदिमानव में समझ कैसे आए? तो इस तरह से आप बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न देकर के बच्चों का मानसिक स्तर जांच सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे श्यामपट्ट कार्य, यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं। इसके लिए आप ब्लैक चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक चार्ट को काट करके ब्लैक बोर्ड शेप में, ठीक है, व्हाइट स्पार्कल पेन से वैसे ही चीजें मेंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे करते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र अवधि। उसके बाद आप प्रकरण डाल के ऐसे ही बताइएगा, आदिमानव जंगलों में रहते थे, दूसरा है आदिमानव खानाबदोश थे, तीसरा है आदिमानव शिकार द्वारा तथा पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते थे। तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड वर्क दिखा सकते हैं अपने लेसन प्लान की कॉपी में। आगे हम देखेंगे निरीक्षण कार्य। फिर आप डालेंगे निरीक्षण कार्य, इसमें आप लिखेंगे, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देंगे या देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम का कक्षा कक्ष का निरीक्षण करते हुए छात्रों की या छात्राओं की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगी या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई निरीक्षण कार्यों को लेकर के, जिसे आप स्वयं करेंगे या करेंगी। आगे हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी जिसे आप अभ्यास कार्य कहते हैं। इसमें आप पूरे टॉपिक का पुनः रिवीजन करवाते हैं। इसके लिए आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न दे सकते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, आदिमानव जंगलों में क्यों रहते थे? दूसरा प्रश्न है, आदिमानव की शारीरिक बनावट कैसी थी? तीसरा प्रश्न है, आदिमानव का स्वभाव कैसा था? तो इस तरह से आप पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे से क्लास में करेंगे। आगे हम देखेंगे गृह कार्य, यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी प्रश्न दे सकते हैं। जैसे इसमें दिया है प्रश्नोत्तर, आदिमानव के औजारों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, आदिमानव की आदतें कैसी थी? तो इस तरह से आप होमवर्क बच्चों को घर से करने के लिए दे सकते हैं। आप चाहें तो सही गलत मिलान या कोई टिप्पणी या बहुविकल्पी भी दे सकते हैं अपने मन से। ठीक है, इस तरह से आपका जो लेसन प्लान नंबर 14 है वो कम्प्लीट हो गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट टीचर से साइन कराएंगे, ये आप हर एक लेसन प्लान पे करवाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 15 को लेकर के, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित उपविषय इतिहास से रहेगा और हमारा प्रकरण रहेगा रजिया सुल्तान।
तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।